नरेगा मजदूर दिवस पर प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। आदिवासी विकास मंच कोटड़ा द्वारा 7 ग्राम पंचायत जोगीवाड़ लांबा हल्दू महाड़ी मामीर महाद खोकरा बेड़ादर पिपली खेड़ा में नरेगा कार्यस्थल पर जाकर श्रमिकों से समर्थन लिया, जिसमें नरेगा में 200 दिन की मजदूरी, प्रतिदिन की मजदूरी 600 रुपये हो, औजार भत्ता 20 रुपये प्रतिदिन दिया जावे। नरेगा में काम की योजना गांव सभा करें, शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी लागू की जाए। सभी श्रमिकों ने इस पर सहमति दी। ग्राम पंचायत में इन बातों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मंच की टीम द्वारा श्री उपखंड अधिकारी मंगलाराम पुनिया को भी ज्ञापन दिया, जिसमें मंच की टीम के बाबूलाल गमार, चंदूलाल ग्रासिया, होमाराम ग्रासिया, मकनाराम खेर, रमेश गुमार, सरबराज शेख द्वारा ज्ञापन दिया गया। नरेगा कार्यस्थल पर भी पहुँच कर टीमों ने लिया जायजा व सौंपा ज्ञापन। तो बीजी बात ये है कि 20 रुपया हो अपने कोई पार नहीं पड़ते, क्योंकि अब बार लॉकडाउन है तो बाहर तो मजदूरी जा ही नहीं सकता, तो अपन तो गाँव में कम तो जोई जाए, तो गाँव में भी कम जोई जाए और आप रेट भी सही मिल भी जोई जाए और महंगाई ज्यादा है तो बेहद भी हो पार नहीं आप तो कम से कम एक दिन ना एक जना एक कर सही है तो हाथूसा करवा पर हारो हाथूसा करो तो सही है, ठीक है के तो तेण देना है तो तेण हो दे एक खुदरा में मलवा जाइए, सही बात है। और आप आज वो एक ज्ञापन बना भी सरपंच साहब सचिव साहब हाल लिया थे, ये सीएम साहब हाल है और एम ओ एक ज्ञापन एस डी एम साहब अलग हो गई हाल लिया मुख्यमंत्री नाम हो तो सरपंच साहब एस डी एम हाल है वो मुख्यमंत्री मुख्य है कलेक्टर साहब है और एम हाल लिया वो थे। और बीजी बात है कि दिन नहीं एक दिन नहीं मजदूरी 100 रुपया वा जाइए, सही है कि गलत है, एक दिन में 100 मिलवा जाइए कि नहीं मिलवा जाइए तो हाथूसा करो तो उठा पर है हाँ मिलवा जाइए सही बात है। और बीजी बात रोज थे तेंगारी पावरों गैती ला गया आप कर हम ला गया तेंगारी का हिंट टूटी जाए पावरों का ही जाए गैती भी का ही जाए तो नहीं पर तो बिना नहीं आप कुछ मजदूरी आलमी पर है कि नहीं आलमी पर है एक दिन ना 20 रुपया आप एंड वो चार का है बिना ना मजदूरी आलमी के सही बात है कि तो बिना नहीं मजदूरी आलमी के तो इन करें आज आपको ज्ञापन बना सरकार आई है एक दिन नहीं मजदूरी 100 मिल भी जो है और 20 रुपया वो चार में मिल जो है और एक लेकिन अपने खावा कमजोरी तो हार हो ना हो दिन मेलवा जो जाए ताकि सही मजदूरी मेले और हो दिन एक जड़ा कम से कम 2-3 जनों कर माँ हो तो 3 हो दिन मेला तो असल मजदूरी मेला न कर न कर बाहर जवानी कोई जरूर नहीं, ठीक बात है के इतनी बात है के हाँ सरकार तय करिया है लेकिन बेहन भी होते अपन कोई पार तो करवा वालो है नहीं बाहर के कंट्री जाइए तो 300-500-700 रुपया ते आले तो नहीं आलता आले बाहर मजदूरी जाइए तो आप वही देखा सरकार ने इस अभाव सही रेट कर भी जोई तो इन बस के आज आप एक अलग अलग पंचायतों में हमारे ये अपना नाम जो एक बार आती है
कम से कम हो दिन हाँ टाड़ी बे हो दिन जितरो बे देना हो तीन देना हो कुल रामा लोग कड़वा नाम हो भी नहीं हो ना हो दिन मेड़वा जोई जाए कि नहीं मेड़वा जोई जाए तो 300 दिन मेड़वा जोई जाए एक कर्मा पहुंचे तो 300 दिन मेड़वा जोई जाए कि नहीं मेड़वा जोई जाए और बीजी बात है कि आप एंड मजूरी बेहोन की ही बड़ावी 100 रुपया दिन ना मेड़वा जोई जाए सही है कि नहीं है आधूसा करें से ठीक है ये आधूसा करो चलो तो दिन ना 100 रुपया मेड़वा जोई बीजी बात है कि आप एंड कर उधर लावी ना पो कौन करिए टैंकर लावी है पावरो लावी है पहले खंडवा गति लावी है तो आप एंड का है के आप टीपा विन लावी है नहीं तो नहीं तो सरकार नहीं हल तो दिन ना 20 रुपया आप उधर ना ते मेड़वा जोई के नहीं मेड़वा जोई तो इन्हीं मौके लेन आज आप पूरे राजस्थान में सरकार है आप आज गिया पेन आलिया और ये रोजगार गारंटी केंद्र सरकार नहीं है केंद्र सरकार राज्य सरकार में पास मत तो नहीं पर आज आपको गिया पेन मोक लिया है तो वीत देखे तो खरा कि कम से कम मजूरी बढ़ भी जोई जाए इन्हें योजना का है इन्हें ना पैसा साल बाद जोई जाए और दिन भी बढ़वा जोई जाए ताकि आप गोम्मा के आप जो समाज में के एम के थुरो का हाई हो रही है लेकिन बारह तो मजूरी तो अब तो जल्दी तो नहीं लॉकडाउन है जी मजूरी करी है तो नहीं तो आप गोम्मा मजूरी बढ़े पैसा बढ़े और मजूरी आप सही मिला तो आप गोम्मा रोजगार मिल जाए ठीक बात है एक बार ये इनको जो हाथ करके फोटो की तो अरे यानी कागज नहीं तो करो तो राजस्थान में नरेगा अधिकार दिवस मनाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि नरेगा आज के समय में सबसे आवश्यक रोजगार के रूप में उभर के आया है और ग्रामीण जन की जो आजीविका है वो नरेगा के आधार पर ही गाँव के अंदर चल रही है तो हम केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि नरेगा में 100 दिन के बजाय अगर 200 दिन लोगों को रोजगार दिया जाएगा तो उनकी आजीविका और अधिक सुदृढ़ होगी और देश की आर्थिक स्थिति जो बिगड़ रही है उसके अंदर भी इसको सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही हमने सरकार से यह मांग भी की है कि जो न्यूनतम मजदूरी अभी राज्य की 220 रुपये है वो बहुत कम है और 2009 में सरकार ने यह कहा था कि हम महंगाई के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाएंगे लेकिन 2009 के बाद वो व्यवस्था आगे चल नहीं पाई और वर्तमान में सरकार खुद मान रही है कि 600 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए तभी किसी व्यक्ति का परिवार अच्छी तरीके से चल सकता है। तो हम भी सरकार से मांग करते हैं कि रोजगार गारंटी में भी मजदूर की न्यूनतम मजदूरी है वो 600 रुपये प्रतिदिन होनी चाहिए ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सके। और तीसरी मांग हमने ये रखी है कि मजदूर नरेगा में खुद अपने औजार लेके आता है खुद तगारी कुल्हाड़ी सब अपना खुद का लेके आता है और उससे पथरीले क्षेत्रों के अंदर अधिक काम होने की वजह से वो जल्दी खराब हो जाते हैं टूट जाते हैं। तो हम सरकार से यह भी मांग कर रहे हैं कि 20 रुपये प्रतिदिन औजार भत्ता भी श्रमिकों को दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ग्रामीण इलाके में कम से कम रोजगार गारंटी एक कानून बना हुआ है जिससे लोगों को आजीविका मिल रही है लेकिन शहरी क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों की हालत बहुत ख़राब है। अभी भी लॉकडाउन पूरी तरीके से खुला नहीं है बाज़ार खुले नहीं है जिस वजह से लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार से यह भी मांग कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में भी रोजगार गारंटी कानून लाया जाना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों की भी आजीविका सुनिश्चित हो सके। तो इन्हीं मांगों को लेकर हम आज अलग अलग पंचायतों के नरेगा कार्यस्थल पर गए वहाँ पर हमने लोगों से इन मुद्दों पर बात की और सभी ने इस पर समर्थन दिया कि इस तरह की अगर बात सरकार मानती है तो यह उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और हमने पंचायत स्तर पर भी अलग अलग ज्ञापन तैयार करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर दिए हैं और उपखंड अधिकारी महोदय को भी ज्ञापन इस बाबत प्रेषित किया है कि वे दिल्ली तक ये बात लेके जाए ताकि लोगों को इससे राहत मिले।